हरियाणा में सिर्फ एक ही बेटी है विनेश फोगाट, बाकी कोई पहलवान बेटी नहीं है जो ओलंपिक में लड़े। ये अत्याचार होने के बाद दोबारा गई लड़ने के लिए। अरे मोदी की सरकार थी उस समय, ब्रिजभूषण भी वही है, सब कुछ वही है, आरोप लगाने वाली भी, फिर लड़ने क्यों गई अगर इतनी तानाशाह की सरकार थी। मतलब मूर्ख बनाओ, मतलब दूसरी बहन बेटियों का हक खाओ, ये है। उसके बाद राजनीति में आ गई, और उससे पहले कहती राजनीति की समझ नहीं है मुझे। विनेश फोगाट की बड़ी चिंता हो गई, योगेश्वर दत्त के बारे में क्यों नहीं बोले भैया, वो भी पहलवान तो जाके उसने भी बीजेपी ज्वाइन करी, उसी की बहन बबीता फोगाट उसने भी आके बीजेपी ज्वाइन करी, क्यों नहीं बोले। बॉक्सर विजेंद्र सिंह वो भी बीजेपी जाके ज्वाइन करी उसने, उसके बारे में क्यों नहीं। ये क्या, ये धरनों पे बैठे थे जाके जंतर मंतर पे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। आप तो 55 साल के युवा हो, अपने दम पे लड़ो ना, विनेश फोगाट को लेकर के क्यों लड़ते हो। है सुनो, 100 ग्राम सर, मात्र 22 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे थे, ठीक है जी। इंदिरा गांधी की और बाकी पूर्ववर्ती सरकारों की बदौलत ये कंडीशन हमने हासिल करी थी कि 120 करोड़ की जनसंख्या में 22 करोड़ की सिर्फ गरीब रह गए थे, और आज 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या होने के बाद आज 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। गरीबी बढ़ी है घटी? 2014 से पहले सर देश की स्थिति ये थी कि भारत का कितने टन सोना बाहर था, जो 2014 के बाद आया, और पढ़े लिखे आज शास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में गया था। 2014 से पहले गैरवी अर्थव्यवस्था थी। हरियाणा की हम बात करेंगे, हरियाणा में जो लहर थी अब तक वो कांग्रेस की लहर थी, अब आपको थोड़े ही घंटे बचे के परिणाम आएगा। क्या लगता है कि कांग्रेस का जो हवा थी वो बनी रहेगी, या वो सिर्फ खाली मीडिया में थी, या खाली वैसे ही? कल शाम को सर जरूर आना, और जलेबी लेके आऊंगा मैं। इससे पहले बर्फी लाया था, लड्डू लाया था, लेकिन इस बार जलेबी लेके आऊंगा। आप लोगों ने जलेबी का बड़ा मजाक उड़ाया। ईवीएम पे तो, ईवीएम पे सवाल तो खड़ा नहीं होगा ना, ईवीएम को बदनाम तो नहीं करेंगे ना सर, ईवीएम को बदनाम तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, मेरी थ्योरी फिर साबित होगी कि जब पोलिंग डेट में और काउंटिंग डेट में 3 या 4 दिन का फर्क होता है, हमेशा कांग्रेस जीतती है। 15 दिन से ऊपर का गैप आया, कांग्रेस हारती है, और ये कल फिर साबित होगा। 3 दिन में, कल इलेक्शन हुआ था शनिवार को, कल रिजल्ट आ रहा है, कल आप देख लेना। 53 से 59 सीट कांग्रेस की कन्फर्म है, और बीजेपी अगर 20 क्रॉस कर जाए तो आधा किलो जलेबी और एक्स्ट्रा। वो जलेबी फैक्ट्री से आएगी या कारखाने से आएगी? और वो जलेबी जो है वो लीटर में मिले, वो देखो पॉपकॉर्न उछल पड़े। पढ़ा लिखा बंदा बात कर रहा है ना, पॉपकॉर्न उछल पड़े देख लो। तो फैक्ट्री से लीटर में आएगी या मिली लीटर में आएगी, ये भी बता दो। बता दीजिए कि लीटर में आएगी, मीटर में? देखो ये देखो सर, भाई साहब भी लिया है, मुझे तो दिखाने की जरूरत नहीं, ये बन रही फैक्ट्री में जलेबियां। देख लो इधर दिखाओ सर, कैमरे की तरफ दिखाओ। ये देखो, ये बन रही फैक्ट्री में जलेबी, अब भी कोई दिक्कत? और सुनो, ये जो इन्होंने बड़े बड़े शोर शराबे से बात चुके, कहीं भी किसी भी चीज का कोई प्रोडक्शन मास लेवल पे जब होता है तो आप उसे क्या कहते हो, कारखाना है फैक्ट्री तो कहते हो उसे, बताओ कहते हैं फैक्ट्री है कारखाना कहते हैं, तो फिर अब इनको कैसे समझाया जाए? जलेबी पन्नू राम के हलवाई के यहाँ बनती थी, सुना था बीकाराम पे बनती थी, बीकानेर पे, नथू राम, नए हल्दीराम पे, ये हलवाई के यहाँ से हट करके फैक्ट्री में। और सुनो मोदी जी ने जब पकोड़े का कहा था तो बड़ी खिल्ली थी, अब ये युवाओं को कह रहा है जलेबी बेचो, अब जलेबी बेचेगा युवा। बता देते हैं, अगर ये हल्दीराम की, अभी इसी बात पे, इसी मुद्दे पे, हल्दीराम की फैक्ट्री कहाँ पे है? मथुरा रोड पे, जाके किसी दिन विजिट करो, कितनी बड़ी फैक्ट्री है जिसमें पतीशा बनता है, रसगुल्ले बनते हैं, गुलाब जामुन बनते हैं, और तमाम मिठाइयां बनती हैं, और अब दिवाली का सीजन आ रहा है, जाके देखो कितनी बड़ी फैक्ट्री। उसको स्टोर कहते हैं, कारखाना नहीं कहते हैं, फैक्ट्री नहीं कहती। फैक्ट्री में आपके नट बोल्ट बनते हैं, फैक्ट्री में आपकी मशीनें बनती हैं, फैक्ट्री में आपके बड़े बड़े जो स्टील के उत्पादन है वो चलाए जाते हैं, लेकिन जलेबी बनते हैं तो इतिहास रच दिया राहुल गांधी। छोटी सी सोच, छोटी मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। नथू राम हलवाई को बनाते हुए जलेबी कारखाने या होटल के अंदर, उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर। सुनो इधर को सुनो जरा, हरियाणा में कभी गए हो? कभी नहीं गए हरियाणा में। सुनो, हरियाणा में कभी नहीं गए? हरियाणा में जाके देखना, जैसे ही आप ये रोहतक वाले रोड पे शुरू हो गए ना, वहाँ आपको राइट लेफ्ट पे लगातार लिखेगा 100 रुपए किलो रसगुल्ले, 100 रुपए किलो घेवर। अंदर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही होती जिन्हें फैक्ट्री ही कहेंगे हम, क्योंकि मास लेवल पे जहाँ भी जिस भी चीज का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, आप ठीक है, राहुल गांधी भी ठीक है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कल ईवीएम को बदनाम बिल्कुल नहीं करेंगे, अच्छी बात है, चलो देर आए दुरुस्त है, क्योंकि जब पिछली बार जब ईवीएम ने दिखाया था कि मोदी सरकार ला रही है 315 से 320, एनडीए ला रही है 360 से 370, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, चुनाव आयोग, सब कुछ बिक गया था, आज कुछ नहीं बिका है। आज सुना है, और
295 से 99 पे अटक गए, 100 भी नहीं आया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या भाई भाई यार बोलो मत यार, मैं क्या अगर राहुल गांधी की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो राहुल गांधी का स्वाभाविक है कि कद जो राजनीति में वो बढ़ जाएगा, तो क्या जिन जिन जो इंडिया अलायंस था वो टूट जाएगा या वो रहेगा? इंडिया अलायंस तो जो लोकसभा चुनाव के लिए बना हुआ है वो कहाँ टूट रहा है, किसने कहा आपको उसमें टूट? ऐसी मुझे किसी ने, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि जब राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ जाएगा तो गठबंधन तोड़ देंगे, उत्तर प्रदेश में भी तोड़ देंगे, यहाँ भी। देखा ना, अभी हरियाणा की तो जीत थोड़ी सी दूर है, कल रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, उससे पहले स्मृति ईरानी जी का क्या बना है, शैलजा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे? इसका साफ मतलब है ना कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, शैलजा को आगे करके अपनी गोटियां चल रही है, सारे के सारे शैलजा को आगे सामने, शैलजा के साथ अन्याय, शैलजा के साथ अन्याय। अरे भाई हमारी पार्टी के न्याय न्याय हम देख लेंगे, तुम काय को दुबले हो रहे हो, तुम्हें क्यों दस्त लग रहे हैं, तुम अपने डायपर क्यों बदलवा रहे हो बार बार, तुम्हें क्यों दस्त लग रहे हैं? आप भी मानते हैं कि गलत हुआ है उनके साथ? मैंने कब कहा कोई का? मैंने आपने बात क्या सुनी, आपने बात क्या सुनी? आप बातों को घुमाना थोड़ा कम करिए, जलेबी की बात अच्छी है लेकिन जलेबी की तरह बातों को मत घुमाओ। जो भी कुछ हुआ वो पार्टी का अंदरूनी मसला है, उन्होंने भी 25 तारीख से पहले क्या उड़ाया जा रहा था 24 तारीख को कि शैलजा छोड़ के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रही है, शैलजा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी। 25 तारीख को उनका आपने इंटरव्यू देखा अंजना ओम कश्यप के साथ, मेरी रगों में जो है कांग्रेस बहती है, खून नहीं बहता, आपने देख लिया ना। तो फिर इसमें क्या गलत और क्या सही भाई, हर राज्य में हर पार्टी में हर अंदरूनी पॉलिटिक्स सब जगह होती है। लेकिन ये तो आपने शर्मा जी सुन लिया, शैलजा जी ने एक बात और बोली कि यहाँ पे सिर्फ एक परिवार के कंट्रोल में है, यहाँ पे एक परिवार का कंट्रोल है, वो बात भी बोली, तो क्या वो परिवार का कंट्रोल हरियाणा से बदल जाएगा, हुड्डा फैमिली से छूट जाएगा? हुड्डा फैमिली की आपने मेहनत देखी है? आप ये बात कहते हो किसी को उसका क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाए? शैलजा जी की अगर आप बात करते हैं, चलो मैं शैलजा जी की, आपने बात करी, शैलजा जी ने दिल्ली हरियाणा में करा क्या? आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्रा देखो, हरियाणा मांगे हिसाब, 4 महीने यात्रा उन्होंने, 3 महीने यात्रा चलाई है, पूरे हरियाणा इस कोने से उस कोने उन्होंने नापा, आप उनकी मेहनत को कैसे कम करके आकलन कर सकते हो भाई? सिर्फ दो चारों के बहकावे में आके कि उन्होंने बहका दिया शैलजा जी, तो शैलजा जी आगे भाई, शैलजा जी का मैंने इंटरव्यू देखा, एक नहीं 5 देखे। हाँ तो फिर वो इस बात को 5 इंटरव्यू में बोली है। हाँ तो ठीक, परिवार के कंट्रोल में, तो भाई जो मेहनत करेगा वो पाएगा, इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? इस हिसाब से तो हुड्डा जी ने अगर यात्रा करी है 4 दिन की, हमारे राहुल गांधी जी ने तो दो यात्रा पूरे भारत की कर दी, मणिपुर तक चले गए, कश्मीर तक चले गए, कन्याकुमारी तक चले गए, तब भी 99। और अच्छा उसके बाद ट्रक ड्राइवर जो है अपना भाड़ा मांग रहे, उनको भाड़ा भी नहीं दिया, मतलब गरीबों को हक दिलाने निकले थे, गरीबों का हक खा गए। आप बताओ नहीं होगी, गरीब का हक खाने दे, युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही थी, अब जलेबी बेचेगा युवा। और हिमाचल कह रहे मेरे पास सैलरी देने को पैसा नहीं है, अपने अपने विधायकों की कटौती करूंगा, कंगाल कर दिया, जो 3 राज्य नहीं बचा पाया वो पूरे भारत को बनाने की बात कर रहा है। क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार कल हरियाणा में बनती है तो राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ जाएगा, उनकी राजनीति सारी बदल जाएगी? देखो बढ़ेगा, आपका क्यों बढ़ेगा, उसका रीजन देखो, अभी इन्होंने बोला जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए कि अब हम हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे, फिर केजरीवाल जी जेल में है, संजय सिंह जी को बुलाया जाता है कि हम हरियाणा में गठबंधन कर लें, अरे घबराहट किस बात की, आप तो 55 साल के युवा हो, अपने दम पे लड़ो ना, विनेश फोगाट को लेकर के क्यों लड़ते हो? है सुनो 100 ग्राम सर 100 ग्राम विनेश फोगाट की बड़ी चिंता हो गई, योगेश्वर दत्त के बारे में क्यों नहीं बोले भैया, वो भी पहलवान तो जाके उसने भी बीजेपी ज्वाइन करी, उसी की बहन बबीता फोगाट उसने भी आके बीजेपी ज्वाइन करी, क्यों नहीं बोले? बॉक्सर विजेंद्र सिंह वो भी बीजेपी जाके ज्वाइन करी उसने, उसके बारे में क्यों नहीं बोले? रविंद्र जडेजा उसने बीजेपी ज्वाइन करी, उसके बारे में क्यों नहीं बोले? उसकी बीवी को वहां से गुजरात में विधानसभा का टिकट दिया उसकी बीवी, उसके बारे में क्यों नहीं बोले? एक विनेश फोगाट दिख गई, क्योंकि ये धरनों पे बैठे थे जाके जंतर मंतर पे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है जी, उसके बाद हरियाणा
हरियाणा में सिर्फ एक ही बेटी है विनेश फोगाट, बाकी कोई पहलवान बेटी नहीं है जो ओलंपिक में लड़े। ये अत्याचार होने के बाद दोबारा गई लड़ने के लिए। अरे मोदी की सरकार थी उस समय, ब्रिजभूषण भी वही है, सब कुछ वही है, आरोप लगाने वाली भी, फिर लड़ने क्यों गई अगर इतनी तानाशाह की सरकार थी? मतलब मूर्ख बनाओ, मतलब दूसरी बहन बेटियों का हक खाओ, ये है। उसके बाद राजनीति में आ गई, और उससे पहले कहती है राजनीति की समझ नहीं है मुझे, एक पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था। सर ये बताइए, हिमाचल में जैसे अभी सरकार की स्थिति चल रही है, उससे बेहतर चलेगा ये प्रदेश? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी ये बात उठाते हैं बार बार कांग्रेस है, प्रदेश की ये बात उठाते हैं, आपने बड़े बड़े खुश होकर बात करते हो। इन्होंने आज तक इनसे पूछा कर्नाटका के, ना हंसू, मतलब गजब की बात है यार, गजब की बात है यार। बात चाहिए, कर्नाटका में 2-2 लाख रुपए किसानों का ऋण माफ कर दिया है, इनकी जबान क्यों नहीं खुली? इनके 22 राज्यों में सरकार है, कौन से राज्य में इन्होंने किसानों के ऋण माफ करे बता दो? 22 राज्यों में से कौन से राज्यों में बताए? इनसे पूछा मंदिरों में 10% टैक्स बढ़ा दिया, मस्जिदों पे क्यों नहीं बढ़ाया? पूछो इनसे, भैया मुस्लिम और हिंदू की राजनीति मोदी करता है, मतलब मंदिरों पे टैक्स बढ़ा दो और उसके बाद दे दो, है? मंदिरों पे टैक्स बढ़ा। मुझे टारगेट करके कुछ नहीं हासिल होगा, नहीं बिल्कुल गलत नहीं, गजब। मैंने आपको माइक, मैंने आपको माइक, शर्मा जी चुप हो जाते हैं, इनको आन दो, ये उनसे ज्यादा समझदार होंगे शायद, अपने 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 सीनियर की कदर नहीं जान रही है ये, राहुल गांधी क्या करेंगे? अपने सीनियर कोई नहीं बोलने दे रहे भाई, मैं करता हूँ, बहुत खुश होकर बात करने। कर्नाटका के इनकी कोई जबान नहीं खुली, कर्नाटका में 2-2 लाख रुपए ऋण माफ हो गए, इनको कोई मतलब नहीं, कोई। अब दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में जाके अमित शाह जी घोषणा करके आते हैं आने वाली ईद और मुहर्रम पे एक एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, ठीक है जी, कितने खुश हो गए? उससे पहले 2022 में यूपी में जाके घोषणा करके आए थे आने वाली होली और दिवाली पे एक एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, 4 होली निकल गई, 4 दिवाली निकल गई, 5वीं दिवाली आने वाली, एक भी सिलेंडर मुफ्त दिया? एक भी सिलेंडर यूपी में मुफ्त दिया? मिला हमको, मिला सिलेंडर, तो सिलेंडर मिले, पैसे मिले, खेत में पैसे है, मिला। ये तो कह रहे कहाँ से है? हाँ यूपी से मिला है भाई साहब, वो इशारा कर रहे हैं, कह रहे उनको बोलो नहीं मिला, घबरा गए, घबरा गए, घबरा गए। लोगों को 2.5 लाख रुपए मिले मकान बनवाने के लिए, मिला है सिलेंडर, नाली की गैस से चाय बनाने वालों को सिलेंडर कब से मिलने लगे? ये देखो गरीब की आवाज दबाने वाले आ गए, ये देख लो आ गए दबाने वाले, आ गए, आ गए दबाने वाले। जान तुम तो देश की आवाज दबा रहे हो, तभी खुल्ला बोल पा रहे हैं, तभी खुल्ला बोल पा रहे हैं, तभी खुल्ला बोल पा रहे हैं, ये देश संविधान से चल रहा है तभी खुल्ला बोल पा रहे हैं। बोलने से पहले तुम पाकिस्तान पे आ गए भाई साहब, ठीक। अच्छा मेरा आपसे सवाल ये, आप घोषणाएं करने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि अमित शाह ने वहां पे बोला, वहां पे बोला, घोषणाएं तो इंदिरा गांधी जी भी करके गई थी कि गरीबी मिट जाएगी, क्यों नहीं मिटी आज? बिल्कुल ठीक है जी, काम तो हुआ इससे पहले, दो गरीबी पे क्या काम हुआ यार? तुम बोलते हो यार, मैं सवाल, मेरी बात तो पूरी होने दिया, अगर उससे पहले सवाल दाग देते हो, क्या था भारत की, क्या कंडीशन थी जब आज़ादी मिली थी, और 2014 में भारत की कंडीशन क्या थी? मात्र 22 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे थे, ठीक है जी, इंदिरा गांधी की और बाकी पूर्ववर्ती सरकारों की बदौलत ये कंडीशन हमने हासिल करी थी कि 120 करोड़ की जनसंख्या में 22 करोड़ सिर्फ गरीब रह गए थे, और आज 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या होने के बाद आज 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, गरीबी बढ़ी है घटी? अच्छा। गरीबी बढ़ी है घटी? अब इनके हिसाब से अगर कोई मंदिर के बाहर बैठा हुआ प्रसाद ले रहा तो वो गरीब है, 81 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं, इंदिरा जी ने, इंदिरा जी ने, इंदिरा जी ने सरकार, ये तो जैसे कांग्रेस दे नहीं रही थी, ये तो अभी आकर के आहान करे नहीं जा रहे कि 2500 देंगे, 2000 देंगे, ये देंगे, और उसके बाद आ जाओ। भाई साहब ने बोला 2014 में देश की स्थिति क्या थी, 2014 से पहले सर देश की स्थिति ये थी कि भारत का कितने टन सोना बाहर था जो 2014 के बाद आया, और पढ़े लिखे, पढ़े लिखे आज शास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में गया था, 2014 से पहले गैरवी अर्थव्यवस्था थी, और पी चिदम्बरम जी यहाँ पर आकर के खुश हो रहे थे कि हम गैरवी अर्थव्यवस्था बन गए, 2035 तक हम चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, और 2042 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, आज 5वीं अर्थव्यवस्था, खुशी नहीं है इनको, सर्वोच्च सम्मान मिल रहे हैं, खुशी नहीं है इनको,
खुश है ना आप? हाँ नहीं बता देता हूँ ना, अर्थव्यवस्था में तो खुश है ना आप? नहीं अर्थव्यवस्था में तो आप खुश ना? बता रहा हूँ सर, वो आप सवाल या तो पूरे कर लिया करो या उसके बाद माइक आगे करा करो। 2014 तक हमारे देश के ऊपर कर्जा कितना था? विदेशी कर्जा मात्र 55 लाख करोड़, 55 लाख करोड़ विदेशी कर्जा, और आज कितना है? 205 लाख करोड़ क्रॉस कर गया, 50 से सीधा 200 प्लस हो गया, 150 गुना और बढ़ गया, सीधा 150 लाख करोड़ बढ़ गया। कहेंगे 10 सालों में 200 करोड़ प्लस 205 लाख करोड़ आज की डेट में इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डाटा है, मेरे घर के डाटा नहीं है। 205 लाख करोड़ भी क्रॉस हो चुका है। उस वक्त का विदेशी कर्जा कितना था और आज विदेशी कर्जा 55 लाख करोड़ से ऊपर और विदेशी कर्ज हमारे ऊपर बढ़ गया पिछले 10 सालों में। भारत में जितने भारतीय यहाँ खड़े हैं हर एक के ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्जा इस तक, और भारत की पर कैपिटल इनकम आज की डेट में क्या है? मात्र 2,16,000 रुपए। उस 2,16,000 रुपए पर कैपिटल इनकम में से अगर आप 1.5 लाख रुपए कर्जा का घटाओगे तो बचा क्या? 66,000 रुपए। 66,000 रुपए झुंझुना घुमाओगे? 66,000 में झुंझुना? बहुत नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल का जवाब। अब पॉपकॉर्न उछलेना प्लीज, पॉपकॉर्न उछलेना प्लीज, ठीक है। अब भाई साहब ने सीधा बोला 2,55,000 करोड़ का कर्जा बढ़ गया, 55 लाख करोड़ का पहले था, 2,05,000 करोड़ का कर्जा हो गया, 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, ठीक है जी। ये शर्मा जी के बाद डाटा होगा, ठीक है। उसमें शर्मा जी ने तो बताया बढ़ गया, लेकिन इसके अंदर एक कमी बोल दी कि इसमें राज्य सरकारों का कर्जा कितना है जो बाहर से लिया गया, ये एक्सप्लेन करना जरूरी था। अभी रुक जाओ, अब सुनो, अब सुनने की क्षमता देखो। जब कर्जा आपको कोई देता है तो आपकी हैसियत देख करके देता है या यूं ही दे देता है? आज भारत की ग्रोथ रेट क्या है इनको पूछो, आज अमेरिका से हम अपना कंपेयर करते हैं, जापान से कंपेयर करते हैं, सबसे करते हैं ना कि भैया हमें अमेरिका जैसा बनना है, हमें जापान जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें चाइना की तरह ही बराबर में ऊपर जाना है। तो आज जब उनके ऊपर इतना इतना कर्जा भारत का है, और शर्मा जी से ये पूछो 1947 में देश आजाद हुआ था, टिल 2003 तक भारत में कितने एम्स थे, कितनी शताब्दी थी और आज कितनी है? बता देते हैं सबसे पहले इन्होंने कर्जे की बात करी कि अमेरिका से हमारा मुकाबला हो रहा है, ये हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान की, और ये पहुंच रहे हैं पाकिस्तान से नहीं करते। आज दिया, आज शर्मा जी पाकिस्तान पहुंच गए, आज शर्मा जी पाकिस्तान पहुंच गए, आज तो इतिहास जी। आज आप जितने मर्जी खुश हो लो, मैं दूंगा ये फैसला, मैं करूंगा बहन जी, नहीं करना हमें पता है फैसला आपका क्या होगा। हाँ बात ये करते हैं, हाँ कितने एम्स थे बता देते हैं। 2014 तक हमारे देश में 16 एम्स, 2003 तक की क्यों बात करें, 4 से 14 तो हमारी सरकार रही है कांग्रेस की, 4 से 14 तक 16 एम्स थे। अटल जी के कार्यकाल कितने थे और मनमोहन जी के? निकाल लो सारा हिसाब, मेरे पास तो रटे पड़े हैं सारे हिसाब, मेरे सारे हिसाब रटे पड़े हैं भाई साहब। 13 एम्स थे 2003 तक, और उसके बाद उसमें और 9 एम्स थे, 7 और करके 16 एम्स 2014 तक तैयार हमारे हो चुके थे। हाँ जी, आज की डेट में 21 जो है टोटल वर्किंग है, 2 अभी पाइपलाइन में, 3 का जो है दरभंगा एम्स की तरह कोई अतापता नहीं है। टोटल एम्स की आप विकिपीडिया पे गिनती निकालोगे, 26 एम्स की निकालेंगे, जिस 26 एम्स में 3 का तो कोई बिल्कुल ही अतापता नहीं है दूर दूर तक, 2 पाइपलाइन में और टोटल वर्किंग कंडीशन में 21 है। उन 21 में से भी 5 की कंडीशन क्या है, जो बड़े मेडिकल कॉलेज थे उनमें सीटें बढ़ा के उनको एम्स का दर्जा दे दिया गया, ना उनकी नई बिल्डिंग तैयार हुई, ना उनमें नया स्टाफ भर्ती हुआ। ऐसे तो उस समय की यूनिवर्सिटी को कांग्रेस ने IIT बना दिया, ऐसे तो वाली की बात कर रहे हैं। अरे तमाम IIT बताऊंगा, नहीं तमाम मद्रास, शायद मद्रास, देखो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन नहीं जो यूनिवर्सिटियां, जो भाई साहब चलिए, जो यूनिवर्सिटियां थी कांग्रेस ने उनका सिर्फ नाम बताया है, हम बता देते हैं कि भैया जी 7 थे 8 थे जो भी थे। अब मैंने तो क्या सवाल पूछा था शर्मा जी से, मुझे ये बताओ 1947 में देश आजाद हुआ था, टिल 2003 तक भारत में कितने एम्स थे, कितनी अपनी क्या कहते हैं राजधानी थी? इन्होंने नहीं बताया राजधानी थी, हाँ। आपने तो 2014 तक में लिया कि 2004 से 2014 तक हमारी सरकार थी। अब ये बताओ अटल जी ने 4 एम्स दिए थे, ये भी बताओ, 3 ही बना पाए मनमोहन जी, और 1947 से टिल 2003 तक एक ही एम्स था दिल्ली वाला, दूसरा नहीं बना पाई कांग्रेस। हमने एम्स बनाया और सुन लो 25 शताब्दी थी, 26वीं शताब्दी नहीं। गद्दार लोग हैं गद्दारी बतियाएंगे। इतनी बढ़िया हिम्मत है उनकी, बोल के चले गए, उन्हें पता है कि काउंटर कर नहीं पाएंगे, पता चल जाएगा। ये जो IIT का जो शर्मा जी ने डेटा बताया, छप्पन इंची सीना वाले के साथ रहते हैं हम, चोरों के साथ नहीं रहते। चाचा आज के
कितनी वंदे भारत, कितनी नमो भारत चल रही है, कितने एक्सप्रेस वे बिछा दिए गए हैं। राहुल गांधी पूरी भारत जोड़ो यात्रा और छोड़ो, अब मैं शर्मा जी को कहता हूँ इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, एक्सेप्ट नहीं। आज से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए वेल एजुकेटेड, इंदिरा गांधी जी वेल एजुकेटेड हुई, राजीव गांधी जी वेल एजुकेटेड हुए, नरसिम्हा राव जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, कितने जा करके विदेशों में सर्वोच्च सम्मान लाए, कितनों के लिए धाड़ा गया कि इंदिरा इज अ बॉस, नेहरू इज अ बॉस, राजीव इज अ बॉस, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री में हाथ उठा के कहता है मोदी इज अ बॉस। अगले दिन उस बॉस को करो जब जरा, अगले दिन उसी बॉस को जैसे ही उसका प्लेन टेक ऑफ हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट का वीजा बैन कर दिया, मुंह पे दरवाजा बंद करना इसे कहते हैं। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। और हरियाणा चुनाव में कल परिणाम आएंगे, आपको क्या अनुमान है, क्या अंदाजा है, किसकी सरकार बनेगी, जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।